हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जिसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ आने के कारण आज शेयर में हमें फॉल देखने को मिला। इस खबर के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर में रिजल्ट बहुत शानदार आया क्वार्टर 3 का और अपर सर्किट में ही था, बट आज खबर आई कि अदानी विल्मर के जो CNF वहाँ पे गोडाउन है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे GST और एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड डाली है। इस न्यूज़ के कारण वहाँ शेयर में आज हमें गिरावट देखने को मिली, बट बाद में कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया प्रेस में कि उनकी रेड ज़रूर हुई, रेड नहीं कहेंगे इसको, एक विजिट थी उन लोगों की और उन्होंने इंस्पेक्ट किया है और सब डॉक्यूमेंट्स, और हमारे हिसाब से कुछ भी उसमें गलत निकला नहीं है, हमने कोई भी वायलेशन GST या कोई टैक्स में किया नहीं है, ऐसा कंपनी की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई। और ये प्रेस रिलीज आने के बाद शेयर में फिर से तेज़ी देखकर अपर सर्किट में क्लोज हुआ अदानी विल्मर का शेयर। तो ये न्यूज़ के कारण अदानी विल्मर के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली थी। अब देखना यह है कि जो GST ऑफिशियल्स है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और उनके ओर से कोई डिस्क्रिपेंसीज या कोई प्रॉब्लम निकल कर आता है क्या, बट कंपनी के स्टेटमेंट के कारण फिर से शेयर में तेज़ी आई और शेयर अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। देखना यह है कि अदानी ग्रुप जो जूझ रहा है सब तरफ से प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राहुल जी गांधी ने जो स्टेटमेंट्स जो दिए थे पार्लियामेंट में, तो इसीलिए हो सकता है कि वहाँ के ऑफिशियल्स ने वहाँ पर रेड डालकर कोशिश की कि कुछ उसमें से निकलता है क्या, बट अभी कंपनी की ओर से तो कुछ उसमें निकला नहीं है। अब GST डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट चेक किए हैं उनका स्टेटमेंट में कुछ आएगा तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट कंपनी के हिसाब से कुछ भी गलत निकला नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ स्मूथ एंड फाइन। तो इसीलिए फिर से अपर सर्किट लग गया है, लेट्स होप कि अपर सर्किट बरकरार रहे और जो इतना ज़्यादा गिर चुका था अदानी विल्मर का शेयर फिर से ऊपर ही ऊपर जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।